शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को फजिलका पंजाब में हुआ। शुभमन के पिता का नाम लखविंदर सिंह है। शुभमन के पिता बताते हैं कि शुभमन को 3 वर्ष की उम्र से ही क्रिकेट में रुचि थी। शुभमन गिल बैट बॉल के अलावा बाकी खिलौनों से खेलते ही नहीं थे। गिल ने पूरे जोश और पैशन से क्रिकेट सीखना शुरू किया और कुछ वर्षों में ही इसके नतीजे दिखने लगे। शुभमन ने 2016 से 17 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हुए अपना खाता खोला। फरवरी 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी और नवंबर 2017 में रणजी ट्रॉफी मैच से शुभमन ने प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। अंडर 16 टीम में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलते हुए शुभमन ने नाबाद डबल सेंचुरी लगाकर शुरुआत की। विगत 2 वर्षों से बीसीसीआई की तरफ से शुभमन गिल को बेस्ट जूनियर क्रिकेटर घोषित किया गया है। अंडर 19 टीम में खेलते हुए शुभमन ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में 147 रन बनाए। इस मैच सीरीज में शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाया। वर्ल्ड कप अंडर 19 में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण ही आईपीएल 2108 के लिए केकेआर कोलकाता टीम ने गिल को खरीद लिया। वर्ल्ड कप अंडर 19 में सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ गिल ने अपना पहला शतक लगाया, जो कि 2018 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय का पहला शतक है। जनवरी के 27 से 28 2018 को हुए आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने गिल को 1.8 करोड़ रुपए में खरीदा। शुभमन ने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। वह सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण को टीवी पर देखकर बड़े हुए, जिससे उन्हें एक क्रिकेटर बनने की इच्छा जागृत हुई। उनके पिता भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, परंतु उन्हें कभी मौका नहीं मिला। क्रिकेट के प्रति उनका रुझान देखकर उनके माता पिता उन्हें फजिलका से मोहाली ले गए, जहां उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IAS बिंद्रा स्टेडियम के पास एक घर किराए पर लिया। महज 11 वर्ष की आयु में उन्हें अंडर 16 पंजाब क्रिकेट टीम में जिला स्तर पर खेलने के लिए चुना गया। अपनी पहली सीरीज में उन्होंने 5 मैचों में 330 रन बनाए और एक रिकॉर्ड कायम किया। वर्ष 2014 में उन्होंने अपनी पहली विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 के पंजाब राज्य स्तरीय मैच में 200 से अधिक रन बनाए। शुभमन ने पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट इंटर जिला अंडर 16 ML मार्कन ट्रॉफी में 351 रन बनाए और जिला स्तर पर निर्मल सिंह के साथ 587 रनों की विश्व रिकॉर्ड की साझेदारी की। उन्हें वर्ष 2013 से 2014 के सफल सीजन के लिए BCCI के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंडर 16 क्रिकेटर के रूप में M.A. चिदंबरम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में उन्होंने दिल्ली में विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट का पदार्पण किया। उसी वर्ष उन्हें भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुना गया, जिसके चलते उन्होंने युवा एक दिवसीय श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। इस श्रृंखला में 351 रन बनाकर वह मैन ऑफ द सीरीज बने। उन्हें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 के लिए उपकप्तान भी चुना गया। वर्ष 2018 में उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग 2018 IPL की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR द्वारा 1.8 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।